डिफरेंस हो गई मेरी योगा क्लासेस। ये आपको खाना है, ये अभी मुझे नहीं खाना। दोनों खाएंगे ना, ये भी पहले आपको खाना है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबक जहां में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। योगा क्लास हो चुकी है, जिसका बिल्कुल भी मन नहीं करता है। दिन भर का सबसे मुश्किल काम हो गया फाइनली। अभी जो भी करेंगे वो आपको बताएंगे। मैं आके खा रही हूँ नीचे अपने ड्राई फ्रूट्स। रिजा अपने एग्जाम दे के आ गई। कैसे गया एग्जाम? अच्छा गया। फिजिक्स में डर नहीं लगता है, मुझे लगता है की कितना अच्छा मैं कर लूँ, की एक मार्क्स भी नहीं छूटे, इसलिए मुझे उसकी टेंशन ज्यादा रहती है। दो तीन नहीं हुए बाकी, लेकिन हो गया। सारा से बात हुई, भूल गई वो बात। रखी अब क्या बात करेंगे वो। रेहान तुम क्या कर रहे हो? फ्रूट और बादाम ढूंढ रहा हूं। भैया फ्रूट बादाम खा रहे हो? गुड, हेल्दी खाएंगे हम लोग, हेल्दी। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तेरा सूट तो बहुत अच्छा है, लखनवी। खुश रखे। अभी हम लोग जा रहे हैं फोटो शूट के लिए अबाया में। अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अभी चल रहा है सबा का फोटोशूट, रील, वो सब चीजें चल रही हैं। मैं यहाँ पे टहल रहा हूँ, मौसम हो रहा है काफी गर्म, धूप बहुत तेज है यहाँ पे। यूपी में इतनी ठंडी है और यहाँ पे बहुत तेज धूप है। A few moments later. झील में हालत खराब हो गई, खोलने की हिम्मत नहीं है। पर तुम्हारे इतनी जल्दी कैसे दर्द होते हैं, मुझे समझ नहीं। जिस लड़की ने आज तक कभी हील नहीं पहनी हो, जिस लड़की ने आज तक कभी कोई दूसरी टाइप की हील चूज ना की हो, सिर्फ वो जो वी शेप वाली आती ना, दो बद्दी वाली जिसे कहते हैं, वो चप्पल ट्राई की हो, वो मुझे लेक्चर दे रही है कि तुम्हें पैर क्यों दुखता है। अभी चल के आपको दिखाएगी। तो रिजा आपके सामने पहली बार हील्स में आ रही है, आइए। सच में नहीं होता। अभी इसमें कम से कम आधे घंटे चलते भी नहीं बनता इसमें तो। आधे घंटे अब तुम खड़ी रहोगी ऐसे, पूरा वेट यहाँ इस पे आता, आता है क्योंकि पीछे कुछ नहीं। हाँ। हम आगे जितना अभी अभी तुम्हारे आगे से ना, जो आगे के टोज है ना। हाँ। वो पेन करने लगे। पेंसिल हील पहनते हैं। फ्रेंड्स, मैं जब भी अबाया पहनती हूँ ना, मैं शूज पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अबाया विद शूज, लेकिन इतना लंबा है कि अगर मैं जूते पहनती तो हील नहीं आती थी कि मेरे पैरों पे आता, इसलिए मुझे हील पहननी पड़ी उसके लिए। जब भी मैं ऐसा वाला ये हिजाब बांधती हूँ, थोड़े टाइम बाद ये सारे पिंस खुल जाते हैं, पता नहीं क्यों। चेंज कर लिया है फ्रेंड्स, अब जा रहे हैं सनी को दिखाने के लिए उसके नेक के लिए। तो यहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल में अपने नंबर का वेट कर रहे थे फ्रेंड्स। टू आवर्स लेटर। अभी हम लोग फ्रूट्स लेने के लिए आए फ्रेंड्स। क्या क्या लोगे? सब कुछ ले लो। हाँ, पट्टा भी 2 किलो, टमाटर है। टमाटर ही लग रहा है। फ्रेंड्स, पता नहीं कौन कौन से नए नए डिजाइन, नए नए तरीके के फ्रूट्स आने लगे हैं। जब हम लोग छोटे थे ना, तब तो हमने ये सब कभी देखे भी नहीं थे, जैसे कि ये राम फल, ये अमर फल, और अंगूर भी देखे कोई नए नए तरीके के आने लगे। ये सब भी देखिए फ्रेंड्स, एकदम नई नई चीजें हैं, नाम तक नहीं पता इनके के क्या होंगे। The next day. Hi friends, तो मैं आपसे मिल रही हूँ next day। बच्चों डर गए होंगे, sorry। ये face पे लगाया ऐसे sheet mask है, आप सभी से जानते होंगे, थोड़ा सा face hydrated हो जाए। ये आ गया है हमारा outfit असबाब वालों की तरफ से, ये outfit है। फ्रेंड्स, मेकअप आर्टिस्ट आ चुके हैं हमारे वाले फ्लैट में, तो बस हम चलते हैं। अभी मैंने इसका दुपट्टा नहीं लिया, नेट का था, वो लोग पूरा हिजाब अच्छे से सब कुछ टाइट करेंगे। आज थोड़ा सा लो एनर्जी में ब्लॉग बनाऊंगी क्योंकि अंदर से आ नहीं रहा है। आप ये कहाँ तक किया लेके जा रहे हैं? भाई मेरी खराब है तबीयत, मैं जाके सोऊंगा, आराम करूंगा, सब अपने काम करेगी। गद्दा तो है नहीं, चटाई है ना वहाँ पे, कुछ ज्यादा हैवी नहीं है, है ना। आ चुके हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे, और जो मेकअप आर्टिस्ट है वो अभी चले गए हैं कुछ खाने के लिए। आप आराम करते हैं? मेरा नाम एसी नहीं है। हाँ, एसी लगवा दिया था। अब अच्छा, क्योंकि मेकअप की जरूरत थी। फ्रेंड्स, ये थे जिनकी मैं आपसे बात कर रही थी, बहुत ही फेमस मेकअप आर्टिस्ट, कितने सालों से हम उनके साथ, आपने देखा होगा मैं स्टोरीज करी हुई 4 साल से हमेशा, क्योंकि इनका मुझे इतना अच्छा लगा था, मैंने खुद से करवाया भी था मेकअप, लेकिन जब इनकी पोस्ट देखी थी ना इंस्टाग्राम पे, मुझे लगता है इतना रियल, इतना नेचुरल आप दिख रहा था। थैंक यू, आज फाइनली फाइनली वी डू इट। हां, इंशाल्लाह। तो मरियम आपने मेरा मेकअप स्टार्ट कर दिया है, तो पूरा रेडी हो जाएगा, उसके बाद में अभी बीच में हमें रील व्यूज भी बनानी है, तो फिर टाइम वेस्ट होगा इसी ब्लॉग के बाद। मरियम सीख गई ब्लॉग बनाना। चलो नेक्स्ट टाइम। हाँ,
बताओ तो पक्का मजाक कर रहे हो। नहीं सीरियसली। कैसे किया मेकअप? अच्छा किया। हाँ ये डिजाइनर ने अच्छा है ज्यादा। हाँ सिंपल सनी कह रहा है ज्यादा अच्छा। नहीं हिजाब जो है ना ये ज्यादा अच्छा लग रहा है उससे, मतलब कलर तो मैं देखा वो कितना डिजाइन का बांधा है हिजाब। तो अभी हिजाब बहुत अच्छा फ्रेंड्स, उन्होंने ऐसा पूरा जिगजैग वाला बांधा है। अभी ब्रिजा पूरा खोलेगी, मैं जल्दी से ऐसे आगे। उन्होंने कहा आप तैयार होके जाओ, घर वालों को दिखा दो, फिर बाद में हम ये सब सामान मंगा लेंगे। क्या नाम था उसका? मरियम। मरियम हाँ मेरा गला अम्मा। जल्दी से चेंज कर लिया फ्रेंड्स, मेकअप थोड़ी देर बाद निकालती हूँ। ऊपर है कारपेंटर भैया, उनसे मीटिंग है, कुछ कुछ काम है, आपको डिटेल में बताती हूँ। अभी आई है अच्छा हुआ लेकिन आज का मेकअप, और सबसे ज्यादा मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ही प्यारी मरियम, मतलब अगर आप अपनी शादी के टाइम उसको बुलाओगे ना तो आपको आपका आधा स्ट्रेस जो शादी के दिन का वो कम कर देगी। इतना इतनी फन लविंग है, बहुत अच्छी हो गई मीटिंग। आपने नहीं बताया अभी तक? मैंने तो बता दिया लेकिन फाइनल अप्रूवल तुम्हारा होगा। ये कितना पसीना बहा के आया हुआ है। कितनी देर रनिंग करी? 15। अपना हाथ ऐसे मेरे सर पे रख देना ताकि तेरी एनर्जी आ जाए। आ जाइए आ जाइए, रखो थोड़ा आने, रोक दी मुझे। आ जाइए आने दो, बाबा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। फ्रेंड्स दिन भर के बाद आप टाइम मिला है रात में 12 बजे, बस एक छोटी सी ड्राइव के लिए जा रहे हैं क्योंकि आज बहुत ज्यादा थकान हो गई। मेकअप के शूट में ना बहुत ज्यादा ऐसे बैठे बैठे थकान हो जाती है। उसके बाद आके देखा सारा डेटा, फिर री एडिट करी, फिर वॉक पे भी आ गए, तो बहुत सारी चीजें आज हो गई। तो बस एक छोटी सी ड्राइव पे लेके जा रहे हैं सनी। दो दिन से हमने सही से व्लॉग भी नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे बहुत दर्द है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तो कल सब सही से व्लॉग भी बनाएंगे। सनी को तो डॉक्टर ने बोला था कि अगर 15 दिन में आराम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तो फिर MRI करेंगे। जब एक्सरे लिया था तो उसमें नॉर्मल था, और भी चीजों से हो सकता है। डॉक्टर ने बोला स्ट्रेस से भी हो सकता है, ये नहीं समझ में आया। अच्छा बेल्ट लगा लूं, मिलते थोड़ी देर बाद, और इन दोनों को भी थोड़ा सा घुमा देते हैं। The next day. फ्रेंड हो गई है एक और नई सुबह। आज है रजब की पहली जुमेरात, तो मैंने और सबा ने रखा है रोजा। अभी सबा पढ़ रही है अंदर नमाज। नमाज पढ़ ली? हाँ, सबा पढ़ रही है अभी कुरान। जैसे आपको पता है कि हमारा रेस्टोरेंट भी ओपन होने वाला है, तो उसमें भी बहुत सारे काम है, तो वहाँ पे कुछ मोल्डिंग वगैरह का काम है, ब्लॉक बिल्ड करना है और अफ्तार की भी तैयारी करना है। तो फ्रेंड सबा ने पढ़ ली नमाज, रेडी हो गए। फटाफट आता भाई, लेट हो रहा है। ये है देखो, ठीक है। ऊपर वाले तो पतला हो गया, वाले रखते छोटा नहीं जा रहा है। आ चुका है हमारे यहाँ न्यू ब्रांड एकदम प्रिंटर, इनके लिए क्योंकि इनको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। हर 4 दिन में प्रिंट आउट निकालने चलो, प्रिंट आउट निकालने चलो, जितने का प्रिंट उतने का जेरोक्स निकाल लिया। सबसे अच्छी बात ये है कि फोन से डायरेक्ट सीधे इसमें प्रिंट मार लो। कैसे भी प्रिंट, कुछ भी चाहिए आपको भी सामने सामने दिखाएंगे, लेकिन पेपर तो होंगे नहीं। अभी पेपर से मंगा दूंगी, ये चाहिए कलर से सारे इंक है, कलर से इंक, कलर्ड वाला प्रिंट भी निकालेगा। मैंने पहली बार देखी है, मुझे लगा वो कलर्स होते क्रियोन कैसे हैं। अरे हम इसको भी काम शुरू कर सकते हैं, हमारी सोसाइटी में किसी को भी कुछ प्रिंट कराना हो। सबसे अच्छा काम बता रही, इससे ही निकालना दो दो रुपए में फ्रेंड्स, हम सबके प्रिंट्स निकालेंगे। 5 रुपए में निकलता है, 2 में नहीं निकलता, और कलर वाला निकालना है तो 10 रुपए में। मैं तो मतलब जमाने से पीछे चल रही हूँ, मैं बिजनेस में घाटा कर लूंगी। मैं बिजनेस में घाटा कर लूंगी। लो नजर लग गई प्रिंटर की, ये स्कैनर इसका, पहले चालू तो करके दिखाओ। तुमको पता नहीं था ये 4 कलर सिर्फ क्यों आए? क्योंकि ये 4 कलर से ही सारे कलर्स बन जाए, और 4 से कोई भी कलर निकालो सब निकल जाएंगे। मैंने तो फ्रेंड्स तुक्के में बोल दिया। बस पढ़ने लगी ना, देखो यहाँ पे आ रही है। इसके पीछे इतना सब टेक्निकल चीजें होती है, सोचे नहीं, बस जाते तो प्रिंट करा के आ जाते। नाइस, ये हमारे और भी काम आएगा ना, बहुत से फोटो वोटो भी अगर प्रिंट कर। फोटो का पेपर अलग होता होगा ऐसा है। हाँ बस हो गया, बस तुम कलाकारी नहीं करो ज्यादा, रेगुलर लगा रही हो। जब इंक पेन से लिखते थे बचपन में तब पूरे हाथ ऐसे आते थे। कौन सा पेन चलता था इसका गोल्डन ढक्कन होता था, काला पेन होता था, निब वाला पेन, निब वाला चाइनीज पेन कुछ उसे कहते थे हम लोग। वो फाउंटेन पेन जो आता है उसी की बात करते हैं। हाथ बहुत गंदे होते थे उसमें लिखते लिखते, लेकिन क्या राइटिंग है। कॉपी क्यों नहीं लिखते हैं?
फिर जब बड़ी क्लास में आते हैं बहुत फास्ट लिखना पड़ता है तो फिर वो सब छूट जाता है। जब हम पेंसिल से पेन पे आते हैं तब एक से बढ़ के एक पेन चूज करते हैं, उसके बाद तो दो दो रुपए वाले पेन से लिखा है हम लोग। और डालो इसमें कहा इतना घी डालता रहता खीर में। फ्रेंड्स इफ्तार की तैयारी करते हैं, इफ्तार के लिए मुझे बनाना है आज खीर, तो हम लोग फातिहा भी दिला देंगे और बाकी सारी चीजें भी करनी है, तो बस जल्दी जल्दी बना लेते हैं। बाहर जब तक प्रिंटर इंस्टॉल हो रहा है आप वहाँ पे देख के आइए। क्या कर रही थी? बस ऐसे ही टाइम पास। टाइम पास कर रही है, हेल्प कर रही है उसकी। और क्या बना रही हो? पनीर के पकौड़े। बस हाँ। पनीर के पकौड़े और खीर। अखरोट। आपको कुछ खाना है तो आप बताओ। लग रहा है रमजान जैसा फील ना? थोड़ा थोड़ा रमजान हाँ। की बात है अलग होती। नहीं आलू के वो भजिए। हाँ बना लेना, कच्चे आलू को बेसन में डाल के। हाँ मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं नहीं नहीं मैं खाऊंगा, मैं बता दिया। तुम काटो पनीर, हम नहीं खा रहे, पनीर नुकसान करेगा। थोड़े प्याज काट लो गोल गोल और थोड़े आलू काट लो, बस बना लो। तुम नहीं खाती तो क्या कोई नहीं खाएगा क्या? क्या बोल रहे सर? 10 मिनट लगेगा। ठीक है ठीक है फिर। तो मैंने यहाँ पे पनीर के पकौड़े बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है, सब जो मिला उसमें डाल दिया। जल्दी जल्दी इसको घोलूंगी। अरे इसके भी घोल सकती थी, क्या करूँ ये या ये वो। अच्छा अब ये कर हाथ से सही होता है फ्रेंड, जो सालों से चला आ रहा है, जो मम्मी लोगों ने हमेशा किया है, नए नए चोचले सब रेडी कर लूँ। फ्रेंड यहाँ पे खीर अच्छी सी रेडी हो रही है, फिर खाएंगे मजे से इंशाल्लाह। अच्छा ये फ्रोजन ये सब तुम तो और रहना, जितना मुझे नहीं पता है लोग रखते हैं अपने फ्रिज में। आपको भी डाइट करनी है? नहीं मेरी डाइट बहुत दिन रोजा रखा है भैया, डाइट क्या करनी है। मैंने एक चीज नोटिस करी है, जब मैं सुबह उठता हूँ मेरा दर्द हल्का होता है, ठीक, दिन में दर्द थोड़ा और बढ़ता है। फिर उसके बाद जब मैं वो उड़ाल लेता हूँ स्प्रे, उसके बाद मुझे लगता है नॉर्मल है। तो ऐसा मतलब की स्प्रे की वजह से मेरा दर्द खत्म हो जाता है। अब आप थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहे होंगे। बैडमिंटन खेल सकता हूँ मैं, कोशिश कर रही हूँ कोच न निकले। ट्वेंटी मिनट बचे हैं फ्रेंड्स इफ्तार में, पनीर के जो पकौड़े हैं वो तो बस रेडी होने वाले हैं यहाँ पे देखिए, और खीर भी रेडी होने वाली है, और रिजा बना रही है आलू वाले। और ये आप मिक्सर लेके किधर जा रहे हैं? मैं दे रहा हूँ इनको एक साथ, लोग बनाएंगे कढ़ाई पनीर, टेस्ट कढ़ाई बनाए कैसा है। अच्छा तो वो जो रेस्टोरेंट वाला काम है ना फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड टेस्टिंग करनी पड़ती है, जहाँ पे कुक लोग ठहरे हुए हैं वहाँ पे सारी चीजें देनी पड़ती है, उनको मिक्सर की जरूरत पड़ती है, बस ये सब सारी चीजें होती रहती है। तुम लोगों को तो हो जाएगा 6:22 तक बन जाएगा ना? ये तू काट रहा है? कौन काटेगा? चटनी है, चटनी पुलाव वाली रखी है। पुलाव तो पुलाव वाली खाएगी, चटनी बनाओ ना। कैसे दिख रहे हैं? अच्छे दिख रहे हैं बहुत, तुमने सही बना दी जिंदगी में, हमसे नहीं बनी आज तक का। हमसे बह जाते थे पता है, यहाँ पनीर कैसे लगता है? ये थोड़ी सी पूंछ निकली है। पूंछ का क्या होता है? जब भी मैंने पहले बनाया मेरा भी पनीर अंदर से दिखने लगा था, पहली बार हुआ है। जो लग रहा है तुमने इस बार गाढ़ा बनाया है इसका, वो सीख गई हो भैया, ताने सुन सुन के सीख गई। खीर भी रेडी हो रही है भाई, खीर तो माशाल्लाह लग रही है। नीचे चलाती की नहीं हूँ, लग रही है नीचे हाँ, देखो चला के देखो। दूध कम हो गया, दूध कम। और ये यहाँ पे बनेगी ये प्याज की, ऐसे कर ऐसे वाला प्याज का छीलना उसको हाँ। को ऐसे नहीं छीलना भैया, उसको बस काट के ऐसे डुबो के डाल देना, ऐसे कौन उसमें तलेगा बताओ इसमें? ऐसे फिंगर जैसे, जैसे ऐसे प्याज को बराबर से गोल गोल काटो, उसको उसमें डाल के ऐसे बस घुमा के। मैं आलू का बनाती हूं। तुम आलू को बनाओ। पनीर कितने ठीक है? बहुत बहुत नहीं, केचप तो है नहीं रिजा, है 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 साइड में देखिए, मुंह जल जाएगा पक्का। जैसे रमजान में रिहान छोटा था ना, रिहान जब छोटा था रमजान में, हम सबको टेस्ट करके बताता था बेसन में नमक है कि नहीं, बेचारे को कच्चा बेसन टेस्ट करना पड़ता था। ऐसे आज खीर टेस्ट, वो ब्लॉग में है अभी भी वो कच्चा बेसन चेक। किस्मत देखा, अंदाजे से भी आपकी सब आप सब सीख गई है। 6:13 हो गया है और 6:22 पे अफ्तार है, टॉस वगैरह सब कुछ, चटनी वगैरह निकाल के रखे भाभी के लिए हम लोग भेज देते हैं। वो खाएंगी थोड़ी अच्छी, अभी मैं मीठा नहीं चला, तुमने चखा अपनी जिम्मेदारी में भेजना, खीर अभी प्रॉपर बनी नहीं है। अच्छे प्याज अम्मी अंदर से कच्ची लग रही होगी, और अब सही है अच्छे खीर। हम लोग ने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए इतना बचाया, वरना वो भी खत्म होने वाला था। पनीर का ना तो वो खा लूंगा, आलू वाला और ये खीर खा लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स इफ्तार हो चुका है, अम्मी नमाज पढ़ी यहाँ पे, और अभी यहाँ पे मैं पढ़ लेती हूँ। काम बनाने चला था, काम बिगाड़ दिया। खाना तो मैंने गलती से वो गिर गया, वो बेचारा हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, यही बहुत है। मैं अभी मोबाइल से फौरन निकल आया, थोड़ा कागज लगाना पड़ता है, कागज लगाएंगे इंक डालेंगे निकल जाएगा। फ्रेंड अभी हमने प्रिंटर कर लिया सेट, और मेन इसको सेट करने में कुछ भी नहीं है, खाली इसका वायर लगाना है। और एप्लीकेशन कौन सी है सौरभ?
एप्सन स्मार्ट पैनल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और सारी उसमें ही मतलब सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कैसे इसको इंस्टॉल करना है स्टेप बाय स्टेप। तो अभी निकालो प्रिंट से कैसे निकालोगे अरे माशाल्लाह सीख तो ले पहले वो सिखा देंगे मेरा पूरा खींच लो ऐसे कोई जल्दी नहीं 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 खींच मत लो ऐसे अगर किसी को जल्दी हो तो प्रिंट प्रॉपर नहीं होगा वो एक बार ट्राई तो करो क्यों ट्राई करो ना इजी हो गया घर पे मशीन आ गई ऐसे ऊपर पेज चलो हो गया हैप्पी निकल गया जो मुझे चाहिए था हाँ ये लिख ली ना अभी और अच्छी निकलती है अगर इसका पेपर वाला होता फोटो हाँ, पेपर, पेपर सीन मुझे बहुत अच्छा कब जब गए थे तभी हाँ जब अपन सब गए थे कब करवाई थी जब आप लोग आगे निकल गए थे बेटू उसको मत दिखाओ शीशा ना दिखाओ शीशा नहीं दिखाते दांत में कुछ प्रॉब्लम होती है मम्मी बच्चों को शीशा नहीं दिखाते दांत आते हो गया लाइट देख रहा है शुरू में रहा है ये इधर हॉस्पिटल से यही आए थे बेटा तुम भूल गए यही तो आया था पहली बार इतने अच्छे से खेल रहा है ये तो फ्रेंड्स हमारा 3 दिन का व्लॉग हमने सोचा आपको लास्ट में अपडेट दे देते हैं क्योंकि व्लॉग 3 दिन में इतना बन पाया है क्योंकि सनी की तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी जो उनका मन नहीं लग रहा था मेरा भी मन नहीं लग रहा था अभी थोड़ा अभी तबीयत मेरी पहले से बेटर है और काम भी कुछ कुछ थे उन सब कामों में भी हम उलझे थे और फिर वही रेस्टोरेंट का काम प्लस फिर घर का कुछ कुछ काम है फिर जो इंस्टाग्राम के कमिटमेंट्स है बहुत सारी चीजें चल रही थी फिर आज रोजा भी था अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया है अभी व्लॉग एंड करते हैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छे से एनर्जी से व्लॉग बनाए अब करेंगे शादी की तैयारी भी और कुछ घर के भी काम है वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह मेरी बहन की शादी है तो तुमको जो भी शॉपिंग करना तुम कर सकती हो इंशाल्लाह लेकिन हिसाब से हाँ वैसे काफी चीजें मेरे पास रखी हुई है कुछ पुरानी आपको निकाल के दिखाऊंगी कुछ जो हमें जरूरत है हम बस वो ही लेंगे कुछ चेंजेस करेंगे जो भी होगा आपको बताएंगे और जिनको हमें कपड़े भेजने जिन जिनके मेल्स हमें सिलेक्ट किए थे हमने कर लिए हैं इंशाल्लाह हम कल से करेंगे हाँ वो सारी चीजें भेजने का प्रोसेस हम करेंगे कोशिश करते रहेंगे कि इंशाल्लाह हम कंटिन्यू भेजते रहे जितना हमारे पास होता रहेगा क्योंकि इतने सारे मेल्स आए हम एक बार में सबको नहीं भेज सकते बिल्कुल जो है वो भी और कुछ चीजें हम खरीद के भेजेंगे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको बहुत जरूरत है तो अगर हमारे पास इतनी चीजें नहीं है तो हम खरीद के भी भेजेंगे तो बस यही था हमारा ब्लॉग अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे ब्लॉग को लाइक हमारे चैनल को लाइक करें रुक जाओ यही था हमारा ब्लॉग अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करें तो बोल तो 3 दिन का गैप हो गया फ्रेंड्स तो ये था हमारा ब्लॉग अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और ऐसे बहुत सारा प्यार करते रहे लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें और दुआ